हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो TJT इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पर उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ। उनका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो अगर आप लोग TJT इंग्लिश से रिलेटेड हैं तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीट देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो। देखिए सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, 27/7/2022 को ये सिलेबस मैंने नोट किया था क्योंकि उस टाइम पे NVS की वैकेंसी आई हुई थी। मैंने फॉर्म को फिल किया था 2 जुलाई से 22 जुलाई तक फॉर्म फिल की लास्ट डेट थी, तो उस टाइम पे ये सिलेबस मैंने नोट किया था। तो आप लोगों को भी आपका सिलेबस है वो नोट करके रख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अपना जो चैनल है उसके ऊपर आप लोगों को मोस्टली टीचिंग एग्जाम्स की ही नॉलेज दी जाती है। जो भी मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए NVS TJT इंग्लिश के अंदर 70 मार्क्स का आपका जनरल सेक्शन आता है, जो मैं आप लोगों के सामने कल डिस्कस कर चुकी थी। आज मैं आपके सामने जो बातें बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ भाई 80 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके अंदर क्या आता है। तो उसके अंदर भी भाई आपके पास चार सेक्शन है। सेक्शन ए में आपका रीडिंग कॉम्प्रेंशन है, सेक्शन बी में आपके राइटिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन सी में आप लोगों से ग्रामर एंड यूजेज है, और सेक्शन डी की जब मैं बात करती हूँ तो आपका है लिटरेचर। आपको ये सारे टॉपिक कहाँ से तैयार करने हैं, किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, और आप 4 महीने में इन चारों सेक्शन को किस प्रकार अच्छे से कर सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए रीडिंग कॉम्प्रेंशन जो कि हमारा सेक्शन ए है उसके अंदर आप सिलेबस देखिएगा, एबिलिटी टू कम्प्रहेंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट एन अनसीन टेक्स्ट। आपके सामने एक अनसीन टेक्स्ट दिया गया होगा जिससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्री फोर अनसीन टेक्स्ट ऑफ वेरिंग लेंथ 150 to 250 वर्ड्स विद ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स MCQs इंक्लूडिंग वोकैब टेस्टिंग फैक्चुअल एंड ग्लोबल कॉम्प्रेंशन। आप लोगों से पैराग्राफ दिए जाएंगे और उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पैराग्राफ को 2 या 3 आपको पैराग्राफ एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिससे 4-4, 5-5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है तभी आप उसके आंसर्स को निकाल सकते हो। साथ में पैराग्राफ में आपका जो वोकैब है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई कॉम्प्रेंशन की, सबसे इजी पार्ट है ये। उसके बाद देखिए राइटिंग एबिलिटी, ये भी कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। 1 short राइटिंग टास्क सच एज नोटिस मैसेज और पोस्ट कार्ड, राइटिंग ए रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट प्रोसेस और प्लेस, राइटिंग एन आर्टिकल डिबेट स्पीच बेस्ड ऑन द विजुअल वर्बल इनपुट ऑन ए गिवन कंक्रीट टॉपिक फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट एजुकेशन चाइल्ड लेबर जेंडर बायस ड्रग एब्यूज एटसेट्रा, प्रेजेंटिंग ओन व्यूज फ्लुएंटली, राइटिंग ए लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल विजुअल इनपुट, लेटर टाइप्स इंक्लूड लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पर्सनल लेटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट। तो देखिए अगर आप सब लोग चिंता में पड़ गए होंगे कि भाई ये क्या सिलेबस बता दिया, क्योंकि ये सब तो क्या होता है भाई राइटिंग का होता है और जो एग्जाम है वो आपका क्या होने वाला है, MCQ बेस होने वाला है। तो MCQ बेस में हम राइट कैसे करेंगे, तो देखिए आपको कुछ भी लिखना नहीं है। आपके जो नोटिस होते हैं, मैसेज होते हैं, आपके जो लेटर होते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल, उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उनमें क्या मटेरियल लिखा जाता है, हमें अपने भांजे को लिखना है तब वो हमारा फॉर्मल लेटर कहलाता है या इनफॉर्मल कहलाता है, हमारे अपने ऑफिस के कलीग को लिखना है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑफिस के बॉस को लिखना है तब वो हमारा क्या कहलाता है, जो आपके कार्ड होते हैं उनमें जो इवेंट प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है, स्पीच वगैरह देनी है तो वो किस प्रकार से होती है, ये आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो राइटिंग एबिलिटी के आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ओके। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, मैं आपको बता दूंगी आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। उसके बाद ग्रामर वाला जो पोर्शन है भाई, टेंस आपसे पूछे जाते हैं, वॉइस के काफी क्वेश्चन आए थे, नरेशन के भी क्वेश्चन थे, मोडाल से भी थे, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन थे आपके, कनेक्टर कंजंक्शन, ठीक है, कहाँ पे बट लगाना है, कहाँ पे ऑल्दो लगाना है, कहाँ पे येट लगाना है, क्लोज से क्वेश्चन थे, नाउन क्लोज है, 5-6 क्वेश्चन थे क्लोज से, नाउन क्लोज है, ये सारे से आपसे पूछे गए थे। उसके बाद आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है यानी जिसके अंदर आपको नाउन प्रोनाउन सब कुछ पढ़ना है, एडजेक्टिव उनके सारे रूल पढ़ने हैं। उसके बाद आपका पंचुएशन है,
सिक्वेंसिंग टू फॉर्म ए कोहेरेंट सेंटेंस और ए पैराग्राफ, आप लोगों से सेंटेंस दे देगा और उनको अरेंज करवा लेगा, ठीक है। तो ये आपका आता है ग्रामर में, बिल्कुल आसान सी और थोड़ी सी ग्रामर है, ओके। उसके बाद लिटरेचर की बात करते हैं, जो आपको बिल्कुल भारी लगता है भाई। शेक्सपियर के वर्क आते हैं आपसे, रोमांटिक पीरियड दिया गया है, रोमांटिक पीरियड में आपको सैली को पढ़ना है, वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, कीट्स को, कोलरेज को और बायरन को, जो आपसे लिख करके दिए गए हैं यही टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं कहूंगी ज्यादा आपको पढ़ना है। 19th and 20th century अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर में आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाता है, हेमिंग्वे आ जाता है, टेड हूज आ जाता है, विटमैन आ जाता है, आपका होथरोन आ जाता है, एमिली डिक्सन और बर्नार्ड शो, इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, सारे राइटर को आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद मॉडर्न इंडियन राइटिंग से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निजीम एजिकल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि आपका जो फ्रेंच जो राइटिंग है, आपके जो अदर जो ग्रीक वगैरह में कुछ है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको तैयार करना है लिटरेचर में। देखिए ये तो हो गया आपका सिलेबस, अब सिलेबस के अंदर आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है देखिएगा। सबसे पहले भाई कॉम्प्रहेंशन की बात करती हूँ, तो उसके लिए तो आपको भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कहीं से भी आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा कि पैराग्राफ को किस प्रकार पढ़ते हैं और किस प्रकार से उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर सकते हैं, यही एकमात्र आपका यहाँ पे इलाज है। उसके बाद राइटिंग एबिलिटी की बात करती हूँ, तो भाई ये जो सारे टॉपिक हैं आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। आप किसी भी 10th क्लास की या 12th क्लास की ना ग्रामर की बुक ले लीजिए, उसके अंदर देख लीजिए भाई नोटिस को किस प्रकार लिख रखा है, मैसेज को किस प्रकार लिख रखा है, आपके जो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हैं उनको किस प्रकार लिखा जाता है, कोई आर्टिकल है, डिबेट है, उनको किस प्रकार लिखा जाता है, ये सारे आप लोग वहाँ से देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा और आप इनके MCQ भी निकाल सकते हैं, ओके। साथ में मैं आपको कुछ और भी टिप्स दूंगी, रुक जाओ अभी वीडियो को कंप्लीट देखो। ग्रामर के लिए भाई आप कोई भी बुक ले लीजिए, मैं तो ल्यूसेंट को ही रेफर करूंगी, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज उसके अंदर दे रखी होती है, या फिर नीतू मैम की जो बुक आती है उसको ले लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट उसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो भाई लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर आपको जो बुक आप ले सकते हैं भाई, ऐसा तो कुछ ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक है नहीं जिसके अंदर आपको सारे टॉपिक मिल जाएं, लेकिन एक बुक आती है SK अरोरा की, ठीक है, वो यूपी के लिए आती है, तो या तो उसको ले लीजिए, मेरे पास है रणजीत सिंह, आप उसको ले लीजिए, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। बाकी मैंने कुछ और भी बुक खरीदी थी उपकार वगैरह की, वो भी मैं आपको बता दूंगी भाई उनसे क्या कुछ मुझे देखने को मिला था, क्या कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला था। बाकी अब मैं आपसे एक बात बताती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं इस सारे कंप्लीट सिलेबस के, अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं भाई कॉम्प्रहेंशन को छोड़ करके, तो आप लोग मुझे कॉमेंट में बताना। देखिए जो नोट्स हैं वो इस प्रकार से मैंने तैयार कर रखे हैं, ये देखो आपकी मॉडर्न इंडियन राइटिंग्स है, इसके अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी, उसके बाद आगे आपका राजा राव, कमला दास, विलियम वर्ड्सवर्थ है, ठीक है। तो ये जो आपको नोट्स हैं, जो आपके टॉपिक आने हैं, ये सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। विटमैन है हमारा, ओके, अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, ये मैंने अपने लिए बनाए थे, लेकिन अगर आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट्स होता है, किड्स है, रोमांटिक एज है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो राइटिंग वाला जो पोर्शन है, राइटिंग वाले पोर्शन की मैं आप लोगों से बात कर रही थी, उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी इसको फिनिशिंग देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जितने अभी हैं उतने आपको अभी मिल जाएंगे। इस ग्रामर वाले पोर्शन की बात करती हूँ, टेंस है, वॉइस है, मॉडल है, ये मैंने सिर्फ फ्री अपने YouTube चैनल पर करवा रखा है, और अगर आपको YouTube चैनल की वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं बना सकते, तो आप लोग मेरे नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप लोगों की जितनी डिमांड होगी उसी हिसाब से मैं प्रोसेस को भाई आगे बढ़ाती हूँ, ज़्यादा मैं बखेड़ा बखेर करके खड़ा नहीं करती हूँ, उतना ही बखेरती हूँ जितना कि मेरे सिमटने में आ जाए, ठीक है। अब देखो ये आपका भाई वो गया, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जो राइटिंग वाला पोर्शन आपका आता है उससे भी आपके क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या कुछ होते हैं, उसकी जो MCQ है वो भी आपको मिल जाएंगे, साथ में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी MCQ बनते हैं वो सारे मैंने अपने लिए नोट डाउन किए थे, ठीक है।
पोस्टर मेकिंग जो होती है, लेटर राइटिंग में, फॉर्मल इनफॉर्मल में आपका क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अवेल हो जाएंगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जितना आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उतनी जल्दी मैं आप लोगों को डायरी होगी, पैराग्राफ हो गया, किस प्रकार से लिखते हैं, इनको सभी को एक अच्छी सी फिनिशिंग दे करके आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगी, जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन, आपका राइटिंग पोर्शन, आपका लिटरेचर पोर्शन आपको कवर मिलेगा, यानी आपका 60 मार्क्स का जो काम है वो आपको कवर मिलेगा। बस आपको क्या करनी है, वोकैब पे फोकस करना है, ठीक है। ग्रामर वाला पोर्शन है उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, और आपको पैसेज की क्या करनी है, थोड़ी सी अच्छे से स्टडी करनी है, बाकी नोट्स को पढ़ना है, तो उससे आप आराम से 80 में से 60 अबव हो सकते हो, और 80 में से 60 स्कोर अपने आप में अच्छा स्कोर है, 70 में से 55 के आसपास आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, तो आपको इंटरव्यू की कोई भी टेंशन नहीं रहने वाली है। तो वही ये सिलेबस था इंग्लिश का, इंग्लिश वाले सब देख लीजिएगा, बाकी और किस आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जुलाई से हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए फ्री लिटरेचर क्लासेज, फ्री राइटिंग की जो क्लासेज हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ पाऊँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।